हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता से खबरें अब तक ने खास बातचीत की। प्रदेश में पीने के पानी को लेकर एक बड़ी समस्या उन्होंने बताई। गांव में बने तालाबों में पीने का पानी खराब है, सुशील गुप्ता कहते नजर आए। हरियाणा में टैंकर माफिया का राज चल रहा है, प्रदेश में नदियां दूषित हो गई हैं, पानी की समस्या को लेकर बीमारियां फैल रही हैं, ये तमाम बातें कहते नजर आई। यानी कि पानी का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठाते नजर आई और चुनाव में भी अच्छे खासे तरीके से इस मुद्दे को उठाने के संकेत मिल चुके हैं। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने सुशील गुप्ता से बातचीत की है। आइए, क्या सवाल थे उनके, जवाब क्या थे, सबको जानते हैं। सामने रखे यमुना के पानी के ये वो सैंपल हैं जिनको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता की तरफ से। उनका कहना है कि ये पानी लोगों का जो जीवन है उसे जहां मुश्किल कर रहा है, तो उनकी जान लेने का काम भी कर रहा है। सर, किस तरीके से ये सैंपल लिए गए हैं, कहां कहां के? पूरी यमुना का दूषित कर दिया है, पीने का पानी साफ ना मिलने की वजह से हरियाणा में मौत हो रही है। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, अपना करनाल जिले के अंदर, यमुनानगर जिले के अंदर, ये पूरी हमने एक सैम्पलिंग भी की। 10 जगह से हमने पानी का लिया, ताजा वाले से लेके इंद्री तक। तो ताजे वाले से इतना ये साफ पानी आता है जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई दूषित पानी नहीं है। और ये यमुनानगर के अंदर ही आने के बाद पानी की ये हालात हो जाती है। तो ये जो स्थिति है बहुत ही दुखदायी स्थिति है। कई कई किलोमीटर तक ये नाला चलाते हैं, साथ में फिर यमुना में मिला देते हैं। कोई SCP लेते नहीं है, कोई WTP लेते नहीं है। तो ये लेबोरेटरी के हमारे रिपोर्ट्स भी हैं कि कितना हानिकारक पानी ये है और कितना हानिकारक पानी है जनता को पिला रहा है। ये आरोप लेकिन दिल्ली पे भी लगता है कि दिल्ली से जो फरीदाबाद की तरफ जो पानी आता है, फरीदाबाद में पानी को अगर चेक कराएंगे तो निश्चित ही वो दूषित पानी मिलेगा, क्योंकि पानी यमुनानगर से गंदा होने लगता है जो दिल्ली से होकर गुजरता है। दिल्ली के अंदर जितने भी नाले हैं उनके साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं और उसकी सफाई के बिना, उसके अंदर से गुजरे बिना कोई भी पानी यमुना के अंदर नहीं जाना। तो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस से लबरेज है चुनाव को लेकर के और दावा कर रही है सरकार बनाने को लेकर के, और कई मुद्दों पर कोड ऑफ कंडक्ट की जो वायोलेशन है उसका मसला भी यहाँ पर उठाया गया। तो वहीं दूषित पानी को लेकर के भी आज ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये कहा गया कि लोगों को जहाँ कैंसर की चपेट में ये दूषित पानी ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जान भी जा रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।